नीतीश जी ने चूतिया बनाते रहे थे, यदि पागल बनाते रहे पब्लिक को, पैदल मरेगी लॉकडाउन में पब्लिक भाग भाग के भूखे मर गए बेचारे। वो तो वो अपने एसी में बैठे हैं, डायरेक्ट कह दिए तुम कहीं मरो, इनको मत लाओ, जहां है हुए परे रहने। तो बिहार में कौन जीत रहा है? बिहार में तेजस्वी यादव। किस मुद्दे पे जीत रहे? वो रैली ना रेला है बाकू, रैली ना रेला है। अच्छा, और वो जीतेगा क्या? वो ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी। हाँ, वो जीतेगा। उन्होंने 10 लाख युवाओं को जॉब देने का की घोषणा की है, वो पूरा करेगा उसको? वो पूरा करेगा, पूरा करेगा वो आपकी बात। अच्छा, और नीतीश से क्यों खपाए लोग? नीतीश जी ने चूतिया बनाते रहे थे, यदि पागल बनाते रहे पब्लिक को, पैदल मरेगी लॉकडाउन में पब्लिक भाग भाग के भूखे मर गए बेचारे, समझे? तो नीतीश तो अपने आधी पहाड़े आराम से पूजा करते रहने करके बैठे बैठे 15 साल नीतीश ने राज किया है बिहार पे। तो और अब कह रहे कि हम 19 लाख लोगों को, 19 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। वो दो दो आदमी को भी ना लगा पाएंगे। अच्छा, कभी लगाया ही नहीं है बीजेपी सरकार, कोई लगा ही नहीं आज तक। लेकिन अब तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ना, मैं आपको लगता है कि वे कर पाएंगे? कह देंगे, सत्ता हाथ में आ जाएगी फिर गाल में तमाचा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक अनुभव कम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव जिस दिन से पैदा हुआ वो राजनीति में पैदा हुआ है, बाकी बाप मुख्यमंत्री रहा, माँ मुख्यमंत्री रही, तो वो तो पैदा ही मतलब माँ में सियासत में हुआ है, वो सब कुछ जानता है, सारा जानता है वो। बिहार की इनसे अच्छी सरकार चलाएगा, इनसे बढ़िया चलाएगा, इनसे रोजगार ज़्यादा देगा, इनसे नौकरियाँ ज़्यादा देगा, ये हम कह रहे हैं इस बात को। बिहार की जनता से आपको अपील करना चाहूंगा कि वोट किसे दे अब की बार? भैया बिहार की जनता सुखी चाहती है तो तेजस्वी यादव को वोट दे, जिंदाबाद। सुखाकर सुख चाहती है तब। आज कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बिहार के हैं। बिहार के रहने, बिहार में कौन जीत रहा है? बिहार में वही तेज प्रताप आएंगे। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। क्यों आएंगे, किस मुद्दे पे आएंगे? उनका अच्छा काम है, वो अभी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन 15 साल से तो नीतीश सरकार चला रहे हैं। नीतीश चला रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में जैसे कोई पब्लिक ने बोले भैया आप, पूछा गया भाई कैसे आना है, तो बोला तुम जहाँ मर रहे हो हुए मरो, तुम्हारा कोई नहीं है। लॉकडाउन के दिन याद है? हाँ, लॉकडाउन को बहुत याद है। क्या याद है? कितने थे मर गए रोड पे हम, परे परे पैदल गए, पैर हाथ में एकदम फोरा हो गया, कोई देखने वाले नहीं है। अच्छा, तो बड़ा बुरा सरकार है वो। वो तो वो अपने एसी में बैठे हैं, डायरेक्ट कह दिए तुम कहीं मरो, इनको मत लाओ, जहाँ है हुए परे रहने दो। तो अब की बार आप तेजस्वी को? हम तो हाँ उसको देंगे वोट इस बार। कौन से जिले से हो? हम तो समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर में हवा है तेजस्वी की? हाँ है, बहुत है, खूब है, पूरे बिहार में। कल भी उसका रैली निकला है, खूब अच्छा निकला है उनका, खूब अच्छा। हाँ वही तो रेला है, रेला निकल रहा है। हाँ रेला खूब निकल रहा है, खूब भीड़ भाड़ हो रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा अगर सीएम बना। हाँ जरूर देगा वो, उसका दे पाएगा, देगा उसका अच्छा भरोसा है, पूरा भरोसा। हाँ पूरा भरोसा है। और मतलब लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी को राजनीतिक अनुभव कम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब है उनका अच्छा है, उनका बचपन से उसका बाप दादा सब करते हैं राजनीति, वो अच्छा काम करते हैं। वैसे सब लॉकडाउन फंसा दिया, बेकार है, ऐसा है वैसा, अब अच्छा काम कर रहा है। तो तेजस्वी को फुल वोट और सपोर्ट है आपका? सब देंगे, पूरे देंगे, जितने हम बिहार में सब देंगे। लॉकडाउन के दिन याद है? बहुत याद है, याद तो ऐसा है जो अभी तक नहीं हो साया है। मर रहे हैं 20-20 रुपए में प्लेट बेच बेच के, फिर भी नहीं पूरा हो रहा है, क्या करें। तो मतलब इस बार तेजस्वी पक्का पक्का आएगा, वही आएगा, चाहे कितना कोशिश कर लो। बिहार के बिहार वासियों के लिए ऐसी कोई अपील आपकी जो आप कहना चाहेंगे उनके लिए कि किसे वोट दे, किस तरह? बिहार का देखो फिर भी जैसा भी काम करेगा अब अच्छा काम करेंगे, तेजस्वी जो है अच्छा काम करेंगे। किसे वोट देनी चाहिए? इन्हीं की देना चाहिए, तेजस्वी को। तो आपने ठान लिया तेजस्वी को वोट? हाँ जरूर देंगे।